लाइन प्लीज प्लीज लाइन लाइन लाइन। Hello everyone, welcome to my kingdom. This is Mridul Shakespeare. If you are new, then first of all subscribe to my channel. Guys, today I'm here with a very interesting blog. It's not an ordinary blog, it's a movie shooting blog. Actually, I have a good news for you. Proud to say that movie Rasmi Rocket will out on October 15, 2021 only on G5. I'm eagerly waiting for the premieres and very much glad to have a part of this movie. The shooting was held in Ranchi, Jharkhand, location Morabadi Ground Football Stadium. 6 days shooting was done in Ranchi from December 18 to 23rd, 2020. Movie's important part ending scene was taken from Ranchi. It was such an amazing experience for me. So guys, have some glimpses of shooting videos. Enjoy the video and drop your beautiful comments. Share with your family, friends. Love you all. Hey guys, so hum log ja rahe hain shooting pe. बहुत ही ज्यादा ठंड है, यू कैन सी दैट, ओह माय गॉड। ये देखिए, दुकानें भी अभी तक खुली नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा है। ये सुबह कोई भी नहीं है रोड में, गाइस चला, माय गॉड, बहुत ही ज्यादा ठंड है। अभी हम पहुंचे हैं न्यूक्लियस मॉल, क्रॉस कर रहे हैं, हमने टर्न नाउ हम लोग इधर जा रहे हैं। सो गाइस, ये है हमारा कचहरी चौक, अब देखते हैं कि हम जाते कहाँ हैं। सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे गाइस। इतनी ज्यादा ठंड है, आवाज भी नहीं आ रही है, आवाज भी नहीं निकल रहा मुंह से, बहुत फोन कर रहा है। इधर वो दिखा लेते हैं, देखो नहीं दिख रही है। सो गाइस, यू कैन सी दैट बोलो, हाय बोलो, नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। गाइस, तापसी पन्नू मैम ने रश्मि रॉकेट एक प्लेयर की भूमिका निभाई है, तो उनके साथ बाकी जो कास्ट किए गए हैं प्लेयर्स के लिए उनका ये सारा कॉस्ट्यूम है। गाइस, सबसे फर्स्ट में आगे देखिए, तापसी पन्नू मैम रनिंग कर रही हैं और पीछे बाकी सारे प्लेयर्स। गाइस, यहाँ शूटिंग हो रही थी और मैं चुपके से
वीडियो ले रही थी पीछे से अपने फ़ोन से, ये सब अलाउड नहीं था गाइस, पर फिर भी मैंने चुप चुप के आप सब के लिए कुछ कुछ क्लिप लिया है गाइस, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही अच्छा लगा गाइस। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब रियल में हो रहा है, कि हम सब साथ में वो भी तापसी पन्नू मैम के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सच में ये एक अनबिलीवेबल मोमेंट था गाइस, मैं हमेशा याद रखूँगी। मैं यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ कि हमारी बारी कब आएगी। गाइज, रश्मि रॉकेट की मूवी कब आएगी ये तो मुझे नहीं मालूम, शायद मे बी 2021 की अगस्त में आएगी। तो यहाँ उस साइड पे शूटिंग हो रही है अभी, और अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ। मुझे ब्रॉडकास्टर्स का रोल मिला है, आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है। मुझे शूटिंग करके बहुत अच्छा लगा, मैं और वहाँ पर हमें कुछ रोल मिला था ब्रॉडकास्टर का, बहुत अच्छा लगा। हम सब ने सबके साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा। और पता है दोस्तों, मैं और एक चीज़ आप सबको बताना चाहती हूँ, वो जो सीरियल आपने देखी ही होगी, कौन सी तो थी, मेरे डैड की दुल्हन, या मेरे डैड की दुल्हन जो सोनी टीवी पे आती है, तो वो भी इस मूवी में उनका भी है रोल। तो जब वो वैनिटी वैन से उतरे ना दोस्तों, तो मैंने तो बाजी मार ली, मैंने उनके साथ पिक क्लिक करा ली है, तो वो मैं आपको पिक दिखाऊंगी। ओके ओके गाइस, मिलते हैं आगे, आप वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। गाइस, ये सीन आप अच्छे से देख लीजिए, ये मूवी में आप सबको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे कंट्रीज के फ्लैग हैं, तो आप जरा बताएंगे कि कौन कौन से कंट्रीज के फ्लैग हैं, देखते हैं जरा कि आप सबको मालूम भी है या नहीं। ये तो रहा हमारे इंडिया का झंडा, भारत देश का झंडा, बाकी का आप कमेंट करके बताइए। ओके गाइस, और एक मज़ेदार बात बताऊं, शूटिंग में कभी कभी ब्रेक मिल जाता था, तो ये महाशय देखिए, ये सो रहे हैं, ये कौन है मुझे नहीं पता। ये है बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम। मैम उसी फोन से, इनने ये है जान निकल, इस इनका भी निशा निशो ओन है पकड़े, नहीं पूछो कुछ, बोलो ब्लर हुआ है, खींच खींच के गांव कैसे उधर जाओ, मैं मेरा है मेरा फोन से जा। थैंक यू, सबसे नाइस क्लियर आए थे, अब आ जाओ लाइन में आ जाओ। ओके थैंक यू, चलो चलिए। ओके चलो, कैसा लगा, बहुत मजा आया गाइस, यू नो व्हाट, देखिए हम दोनों ने एक ही एक ही, वन सेकंड, हमारे कॉस्ट्यूम देखिए गाइस, ये हमने सेम कैरी किया है, वन सेकंड, पता है गाइस हमने तापसी पन्नू को कहा ना कि आपके लिए मैम हम दोनों ने सेम कॉस्ट्यूम कैरी किया है, कहा कि वाओ मेरे लिए, थैंक यू सो मच, और उन्होंने हमें फोटोग्राफ दिए, ओ माय गॉड, इन्होंने हक किया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, पता है गाइस ऑटोग्राफ किसी को नहीं मिला, मैं दौड़ के गई और मुझे ऑटोग्राफ भी मिला और फोटोग्राफ भी, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे आइए, ये रहे हमारे, देखिए हमारे, यही है वो, ये हमारे अभिनव जी, सस्ता कोहली नॉट, ये हमारे सुपरस्टार हैं, मिस्टर अभिनव गुप्ता, कैसा लगा आपको ऐसा एक्ट करके, आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ, आप तो सुपरस्टार बन गए हैं,
और आपको तापसी पन्नू के साथ फोटो मिला, वो कैसा फील हो रहा है? कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे मिलने का मौका मिलेगा, बस इस शूट के दौरान हम उनसे मिले। जी जी, बहुत अच्छा लगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करिएगा और इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सुनील भी लोग तो गए। अरे तो हम भी तो जाना कर लो, कर लो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहा है? अरे नहीं बस यही जगह रहना है। हाँ जी, रुको यार। सर 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 सर, ओके बस हो गया हो गया हो गया, अब आपस में शेयर कर लो यार। सर आगे भी काल वीडियो है बताइए। डायलॉग है नहीं दागी का, मैं कोरोना चल रहा है। अब हो गया भाई, ले 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 प्लीज ले लो। Hey guys, आज हम लोग का लास्ट है, लास्ट डे है, तो हम लोग अभी लंच कर रहे हैं। लास्ट डे ऑफ शूटिंग, बहुत थक गए गाइस, अंधेरा है, कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है। ये देखिए हम लोग यहाँ बैठ खा रहे हैं। ये सब है आप लोग।
सूट पर। आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ दो लाइन? बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आप लोगों का स्नेह पाकर, प्यार पाकर, बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके, बड़े कवि के साथ यही मौका मिला काम करके। हम चाहेंगे कि हम आगे भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ऐसे ही साथ में काम करें और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएं। आपको कैसा लगा एकदम? बहुत अच्छा लगा, जीवन में इस तरह का अवसर पुनः आए ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको सर को देखना होगा ना तो आप लोग परीक्षा मूवी में सर को देख सकते हैं, उनका अहम भूमिका है उस मूवी में। धन्यवाद। सो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब